गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? आई एम गुड। गुड आफ्टरनून। यू आर फाइन? आई एम थैंक यू। आई एम व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा। आज के सेशन में हम चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? सभी लोग तैयार हो? हाँ बेटा। यस मैम। यस मैम। बेटा किसके बगल से आवाज आ रही है? अपने आप को म्यूट कर लो। यस मैम। चलिए तो कविता, आपने पढ़ा था जाने क्यों ऐसा होता है, तमाम सवाल कविता को पढ़ के मन में उठते थे सबके। चलिए उन सवालों का हम जवाब ढूंढते हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो पहले हम बातों वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन है, आपके मन में कौन कौन से प्रश्न आते हैं जिनके लिए आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है? कभी कभी आपके मन में आता होगा ना कि ऐसा क्यों होता है, किसी चीज को देखते होंगे तो सोचते होंगे ऐसा क्यों होता है। तो चलिए महिमा बताएंगे, आप कौन सी ऐसी चीज है जिसको देख के आपके मन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है? सूरज क्यों दिन में, सूरज दिन में दिखता है, रात को क्यों नहीं? बस यही एक सवाल आता है। करीज आपके मन में कौन सा सवाल आता है? हाँ बेटा, जाने क्यों ऐसा होता है। मेहंदी, मेहंदी के पत्ते हाथ हो जाता है लाल। नहीं नहीं, ऐसे सवाल बताइए, उसको बुक से देख के बताइए। बुक से अदर आपको कौन सी चीजें हैं जो देख के आपके मन में सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों होता है? रात को चांद दिखता है, दिन में क्यों नहीं? रात को चांद दिखता है और दिन में क्यों नहीं दिखता? ऋषभ आपके मन में कौन सा सवाल आता है बताइए? मैम सूरज, मैम सूरज से निकलता है लेकिन पश्चिम में क्यों छिप जाता है? हाँ, सूरज पूर्व में निकलता है लेकिन पश्चिम में क्यों छिप जाता है? तो क्या कभी आपने इसका जवाब, आपको ये जवाब मिला, आपने किसी से क्वेश्चन किया इसके बारे में? नो मैम। हाँ बेटा। नो मैम। मैम। नो मैम। तो क्वेश्चन कीजिए, इसका आंसर भी आपको मिलेगा। सोनाक्षी आप बताइए, कौन से प्रश्न आपके मन में उठते हैं? मैम बताएं, तारे रात में चमकते हैं लेकिन दिन में एक भी क्यों नहीं दिखते? और पेड़ इतने छोटे होते हैं फिर इतने जल्दी इतने लंबे कैसे हो जाते हैं? क्या? और सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, पश्चिम दिशा में क्यों छिप जाता है? हाँ बेटा। चलिए प्रतीक आपके सवाल। मैम बताएं। मैम सूरज, मैम सूरज पश्चिम से क्यों निकलता है, पूरब से क्यों नहीं? आप उल्टा सवाल पूछ रहे हो बेटा। सूरज पूर्व से नहीं निकलता, पश्चिम, पूरब से ही निकलता, पश्चिम में नहीं निकलता है।
आप पूछ रहे हो सूरज पूरब, सूरज पश्चिम से क्यों निकलता है? सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है, सूरज पूर्व से ही निकलता है। हाँ दिव्यांशी, आपका सवाल। मैम हम बड़े कैसे होते हैं? हमारी पलके कैसे झपकते हैं? बादलों मौसम कैसे बदलता है? बादलों में पानी कहाँ से आता है? मैं बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं। रात को दिन में नहीं दिखता है। हाँ चलिए महक, आपका सवाल क्या है? मैम हम बताएं। पूछिए। कनीज, आपके मन में कौन सा सवाल है? पूछिए ना। नारियल में मैम छेद क्यों नहीं रहता और उसमें पानी कैसे चला जाता है? पानी कैसे चला जाता है? चलिए सलोनी जायसवाल, आपका। सलोनी जायसवाल थोड़ा मोबाइल नीचे करके बैठी आप, आपका फेस दिख नहीं रहा है, आधा फेस ही दिख रहा है, मोबाइल को नीचे कीजिए। और थोड़ा बताइए आपके मन में कौन सा सवाल है? जल्दी बोलिए, आप लोग प्रश्न भी नहीं पूछ पा रहे हो। सभी लोग प्रश्न पूछते तो देखते हैं ना कितने, कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसपे सबके पास, सभी लोग प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा कौन सी चीजें हैं। मैं गौतम, नहीं पूछता है आपको? आपके मन में कोई सवाल नहीं है? जो लोग एक बार बता चुके हो 10 बार नहीं बताएंगे। मोहित, आचल, मन में जो सवाल हो पूछिए उसको। मैम मौसम के, मैम मौसम कैसे बदल जाता है? बादलों में पानी कैसे आ जाता है? रवि, राशि, कार्तिके, दिव्या, सलोनी चौहान, पूछिए आप लोग के मन में जो सवाल है जल्दी कीजिए। पूछना है ना, किसी को मन में कोई सवाल? मैम पूछना है। पूछो। तो नहीं पूछ रही हूँ तो। मैम बताओ। मैम जो भारी चीज रहता है वो डूब जाता है, मैम हल्की चीज मैम क्यों नहीं डूबता? मैम भारी चीज। हाँ काट के। मैम दिन में होता और रात में दिन क्यों नहीं होता है? दिन में रात क्यों नहीं होता, रात में दिन क्यों नहीं होता है? मैम हम पूछे। हाँ बेटा। मैम कपड़े फैलाते हैं तो पानी कहाँ जाता है? हाँ कपड़े फैलाते हैं तो चलिए अब आवाज बंद कीजिए, कोई नहीं बोलेगा, सभी लोग अपने आप को म्यूट कीजिए पहले। हाँ चलिए बेटा, कपड़े धूप में सुखाते हो तो धूप की जो गर्मी होती है जिसकी वजह से कपड़े सूख जाते हैं, तापमान जो होता है बहुत, टेम्परेचर जो है हाई होता है सूरज का, उनकी किरणों उसके माध्यम से कपड़े की जो है नमी जो है सूख जाती है,
ठीक है। और सूरज पूर्व में निकलता है, पश्चिम में क्यों नहीं निकलता है, उसका निकलने की दिशा ही पूरब है। और पश्चिम में डूब कैसे जाता है, आपका सवाल ये होना चाहिए था। सूरज निकलता तो पूरब में है, लेकिन फिर पश्चिम में कैसे पहुंच जाता है, या डूबता पश्चिम में क्यों है। अगर आप ये सवाल पूछते तो इस पे क्वेश्चन होता, लेकिन आप ये पूछ रहे हो कि सूरज पूरब में निकलता पश्चिम में क्यों नहीं। बेटा उनकी स्थिति जो है सदियों से वैसी ही बनी है, पूरब में निकलने वाली पूरब दिशा ही उनका जो है उदयस्थल है। हाँ, पश्चिम में जो डूबने वाली बात है, तो सूरज की दिशा पश्चिम नहीं जाता है बेटा। आपकी पृथ्वी आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आगे चल के पढ़ोगे कि आपकी पृथ्वी जो है हमेशा घूमती रहती है। आपने कभी लट्टू देखा है, खेलने वाला लट्टू? उसी लट्टू लट्टू की कीली देखी है, कीली होती है ना? चलिए ध्यान दीजिए, सारे सवालों का थोड़ा थोड़ा करके हम जवाब देंगे आपके। तो पृथ्वी की जो है धुरी लट्टू की तरह देख रहे हो, लट्टू जब नाचता है तो थोड़ा सा झुका हुआ होकर घूमता है ना। लट्टू आप लोगों ने नचाया होगा तो देखा होगा, वो एकदम खड़ा नहीं होगा, थोड़ा झुक के नाचता है ना, अपनी कीली पर नाचता है तो थोड़ा झुका होता है। वैसे ही हमारी पृथ्वी का आकार गोल है, लेकिन वह अपनी धुरी पर थोड़ा 23 अंश जो है कोण बनाती हुई घूमती रहती है अपनी कीली पर। 24 घंटे में एक बार केवल एक राउंड लगाती है वो अपनी कीली पर। लट्टू तो बहुत तेज से घूमता है ना आपकी, लेकिन पृथ्वी उतना तेज नहीं घूमती है, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है ना, सभी लोग जानते हो पृथ्वी बड़ी है। हम सभी लोग पृथ्वी पर तो रहते हैं, पूरा देश पृथ्वी पर है, समुद्र नदियां जो भी कुछ है। तो एक चक्कर यानी अपनी कीली पर घूमने में, एक चक्कर पूरा करने में उसे 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, कितना समय लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। तो 24 घंटे में पृथ्वी अपना केवल एक राउंड करती है। जैसे आप विद्यालय आओ और विद्यालय से अपने घर जाओ, इतने समय में एक राउंड पूरा करने में आपको 24 घंटे लग जाएं। ऐसे ही पृथ्वी जो तो अपनी कीली पर घूमती है एक राउंड, उसको 24 घंटे लगते हैं। उसी में 12 घंटे के दिन और 12 घंटे के रात होते हैं। और रात दिन क्यों होते हैं, इसका भी जवाब है मेरे पास। देखिए, सूर्य हमेशा जो है पूरब दिशा में ही रहता है, आसमान में सूर्य पूरब दिशा में ही है, कभी घूमता नहीं है। पृथ्वी हमारी जब घूमती है तो जो दिशा कोई चीज के सामने फोकस जिस पे पड़ती है वही तो दिखेगा हमको, जिस चीज पे हमारा लाइट, आप लोग देखेंगे लाइट की फोकस सामने से जहां पड़ती है वो चीजें भी स्पष्ट दिखती हैं। जहां साइड होता है, जहां पे लाइट की फोकस नहीं पड़ती है, वहां हमें अंधेरा दिखता है रात में, देखे होंगे ना। हाँ, ऐसे ही सूर्य के जब पृथ्वी घूमती हुई सूरज के सामने होती है, सूरज का प्रकाश पड़ता है बेटा, वहां दिन होता है, क्योंकि पूरे पृथ्वी पे एक साथ तो प्रकाश पड़ेगा नहीं, लाइट का प्रकाश एक जैसा सब पे तो जाता नहीं। ऐसे ही सूर्य का प्रकाश भी, पृथ्वी इतनी बड़ी है। मुझे आपसे पूछना है। हाँ, तो आधे भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसलिए वहां दिन होता है। जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहां रात होती है। फिर जब घूमते घूमते पृथ्वी सूर्य के सामने जहाँ आती है वहां दिन होता रहता है, जहाँ सामने से हटती जाती है वहां अंधकार होता है, फिर रात होते रहता है। तो इसी तरह से 12 घंटे का दिन और 12 घंटा का रात होता है। सूर्य हमेशा पूरब में ही है, एक दिशा है उसकी। खाली पृथ्वी घूम जाती है तो लगता है पश्चिमी सूरज चला गया है, सूरज नहीं पश्चिम में जाता है, बल्कि हमारी पृथ्वी की दिशा ही घूम जाती है, पूरब से पश्चिम हो जाती है, तो हमें लगता है कि सूरज पूर्व में उगा था, पश्चिम में अस्त हो रहा है। ऐसा हम केवल फील करते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। और कौन सा साल मौसम क्यों बदलता है?
मौसम भी बेटा इसी के कारण ही बदलता है। जो हमारी पृथ्वी घूमती है 24 घंटा में एक चक्कर घूमते हुए, सूर्य अस्थाई एक जगह है, लेकिन पृथ्वी जो है एक उपग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करती है। अपनी किरी पर घूमते घूमते धीरे धीरे वो साल भर में एक चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर। पृथ्वी पृथ्वी लट्टू की तरह घूमते घूमते एक साल में एक चक्कर लगाती है। सूर्य की चक्कर लगाने में पृथ्वी को एक परिक्रमा पूरा करने में एक वर्ष का समय लगता है पृथ्वी को। तो जब चक्कर लगाती हुई घूमती है ऐसे समय में ऋतुएं बदल जाती हैं, क्योंकि सब जगह सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं सकती। तो इसी घूमने की शक्ति के कारण ही सूर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी जो परिक्रमा करती है, इसी परिक्रमा के कारण दिन रात पर भी होते हैं और मौसम भी बदलता है। हाँ बेटा महिमा। मैं मछली पानी में सांस लेती है बाहर आती है तो मर जाती है। वह पानी में ही रहने वाली जीव है, पानी से अलग उसको कर दिया जाए तो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि उसे पानी में ही उसके भोजन भी मिलते हैं। वो ऑक्सीजन जो उसको होता है वो पानी से ही लेती है, है ना? जैसे हमारे हमें ऑक्सीजन एक पल के लिए ना मिले तो हम मर जाएं, वैसे ही मछली भी है, उसको अगर पानी में से निकाल दिया जाए तो कुछ पलों के बाद वो तड़प तड़प के मर जाएगी। तो चलिए अब हम प्रश्नों के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पे हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या है आपका। अगर आपको कविता में आया प्रश्न नहीं दिख रही है तो आप क्या उत्तर देते? जो हमने अभी उत्तर दिया है देखिए कविता में आए प्रश्नों के उत्तर। तो कविता में बहुत सारे प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न क्या है ऋषभ? मैम पेड़ से बीज, बीज से पेड़, जमीन से कैसे निकलता है? इसको उत्तर देना होगा तो क्या उत्तर देंगे आप? बताइए, दिखाओ मुझे भी। नैना अपने आप को म्यूट रखो। काजल ऋषभ नहीं बताओगे? रवि आप बताइए। रवि मैम बताएं। हाँ बताइए। हम लोग बड़े होते हैं हम वैसे पेड़ भी जमीन से निकलते हैं। वैसे ही पेड़ का जो बीज होता है बीज में ही पेड़ की उत्पन्न होने की शक्ति होती है, उसी बीज से पेड़ बनता है। छोटे पौधे होंगे फिर धीरे धीरे करके बड़े होंगे, है ना? जैसे जैसे मानव का जैसे मनुष्य का जन्म होता है वैसे ही पेड़ पौधे का भी बीज के द्वारा ही जो है इनका जो है जन्म होता है। इसी के माध्यम से पानी खाद पाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे जीवित रहने के लिए हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रोटीन विटामिन और भी चीजों की आवश्यकता होती है, वैसे ही पेड़ पौधों को भी आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिव्यांशी? मैम मैम उसमें भी कितने फल फूल पत्ते का जमघट लग जाता है? हाँ वही चीज वही प्रश्न है। यानी सूरज
बीज से पेड़ तैयार होते हैं कैसे, तो उस पर पेड़ों में से फिर फूल होगा, फूल में से फल होगा, इस प्रकार के फिर उन फलों के अंदर बीज बनेंगे, फिर बीज से फिर दूसरा नया पौधा तैयार होगा, है ना। ये जो है प्राकृतिक क्रिया है जो होती रहती है, मनुष्य नहीं कर सकता है, ये प्रकृति का प्राकृतिक क्रिया है जो इस तरह से एक बीज के से पता नहीं कितने पौधे बीज तैयार। मैम बताएं। हाँ मान महिमा, सब कुछ भगवान करते हैं। भगवान प्रकृति किसको कहते हैं, भगवान को ही प्रकृति कहते हैं, ये सब प्राकृतिक क्रियाएं हैं, ठीक है। कभी सूरज के बारे में बताया गया, चंदा भी दिखता गोल मटोल टेढ़ा और गायब हो जाता है, चंद्रमा की भी स्थिति यही है, जैसे सूरज की परिक्रमा पृथ्वी करती है ना, ऐसे ही पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करती है, और चंद्रमा परिक्रमा जब करती है तो जिस भाग में पृथ्वी के और चंद्रमा के बीच में जो सूरज की जो रोशनी होती है, तो जहां चंद्रमा के ऊपर पड़ती है वह भाग में चंद्रमा पूरा दिखता है, वही उसकी चमक होती है। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, वह सूरज के प्रकाश से ही प्रकाशित है चंद्रमा जो हम दिखते हैं, तो जिस तभी जो है पूर्णिमा उर्णिमा के दिन उस पर पूरा प्रकाश पड़ता है सूर्य का, इसलिए वह गोल दिखता है, है ना। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश उसका घूमने के कारण चंद्रमा घूमती है ना, पृथ्वी की तरह चंद्रमा भी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है, लेकिन पृथ्वी घूमती है सूरज की परिक्रमा करती है और चंद्रमा घूमकर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो जिस भाग में उसके सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वह भाग उसका नहीं दिखाई देता है हमें, तो हमें लगता क्या चंद्रमा अधूरा है ना, कभी बहुत ही कम दिखाई देता है, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता, जैसे अमावस की तिथि को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, तो उस दिन बीच में जो है पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, पूरा ढक लेता है, तो ये सब परिक्रमा गत के कारण ही हो रहा है, जो परिक्रमा कर रही है पृथ्वी सूर्य की और चंद्रमा पृथ्वी की, ठीक है, इसीलिए कभी चंद्रमा गोल दिखता है तो कभी छोटा दिखता है, कभी बड़ा दिखता है। मैम, इसको नोट लिखना है? नहीं, इसको समझना है, लिखना नहीं है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, जाने क्यों ऐसा होता है कविता को आप नया शीर्षक, क्या नया शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? आप लोग कुछ नया शीर्षक बताना चाहोगे, कविता का नया नाम देना चाहोगे? मैम बताए है? हाँ बोलिए। जाने जाने कब ऐसा होता है? मैम बताए। हाँ बेटा बताइए। जाने क्यों ऐसा होता है? जाने क्यों ऐसा होता है तो लिखा ही है। मैम बताएं। हाँ जाने कैसे होता है? समझ जाता है। हाँ मैम जाने कब ये सब होता है? जाने कब ऐसा होता है और जाने क्यों? जाने क्यों तो है ही है, जाने कब ऐसा होता है, जाने क्यों ऐसा होता है, जाने कब ये सब हो जाता है, क्यों ऐसा होता है, जाने सभी क्यों बदल जाता है, ऐसा कैसे होता है, सब हो जाता है ना, ऐसा कैसे होता है, भी तुम कर सकते थे, ऐसा कैसे होता है, ये सब कुछ कैसे होता है, इसको भी हम कर सकते हैं, सब कुछ कैसे होता है, आए समझ में? हाँ बेटा चलिए। क्यों होता है? जाने क्यों ऐसा करोगी तो आपके बुक में लिखा है ऐसा क्यों होता है। चलिए कलम की सवारी का क्वेश्चन नंबर 1, अधूरी पंक्तियों को पूरा करें। मैम कंप्लीट किए। मैम अब भी हो गया है। चलिए आपके जो 2 क्वेश्चन हैं, आपको होमवर्क नहीं मिला है आज, है ना, अभी आपको सेशन एंड होगा तो दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखकर भेजना है, ठीक है। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं, अपने मन में आए किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप क्या करते हैं? आपके मन में कोई प्रश्न आ गया ऐसा क्यों होता है,
तो आप उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रश्न जो उत्तर प्रश्न उठते हैं मन में, प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आप क्या करते हैं बताइए, कोई भी बताए। मम्मी पापा अपने माता पिता से पूछते हैं, मम्मी से पूछते हैं, पापा से पूछते हैं, दादी से पूछते हैं, बाबा से पूछते हैं, अपने से बड़ों से पूछते हैं। हाँ, अपने बड़ों से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो बड़े हमें समझाते हैं। ठीक है मैम, हम अपने मम्मी पापा से पूछते हैं। हाँ, अपने से बड़े मम्मी पापा हैं, चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं। मन में उठने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखकर कविता को आगे बढ़ाकर लिखें। इसमें आपको चार लाइन जोड़नी है। जैसे त्योहार वाली कविता थी, आपने लाइन जोड़ा था। ऐसे ही इसमें भी आपको चार लाइन जोड़कर आगे बढ़ा लिखना है। आई समझ में दिव्या? मैम क्या लिखोगी? मैम बताए बोलिए। मैम जब भी देखूं आसपास एक सवाल मन में आता है, जाने क्यों ऐसा होता है, जाने क्यों ऐसा होता है, पेड़ इतने छोटे से रहते हैं फिर इतने लंबे क्यों हो जाते हैं, जाने क्यों ऐसा होता है, जाने क्यों ऐसा होता है। बहुत अच्छा, लेकिन आपको उस पे आगे बढ़ाना है, नई लाइनें जोड़ दी है। नई लाइन कौन से बनाई है आप? बताइए नई लाइन क्या बनेगी? कोई भी बोलेगा मैम अटल। हाँ, मैम हम कैसे बड़े हो जाते हैं, हमारी पलकें कैसे झपकती हैं, मौसम कैसे बदल जाता है, जाने क्यों ऐसा होता है। बहुत अच्छा बेटा। हाँ चलिए और कोई सोनाक्षी, आपको इतनी पिटाई हम कर देंगे, आपको बार बार कहा जाता है अपने आप को म्यूट रख, बगल से आवाज आ रही हो, आप बैठी हो स्पीकर ऑन करके, अपना स्पीकर तभी खोलना जब आपको कुछ बोलना होगा। काजल आप भी अपने आप को म्यूट रखो, कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं रखेगा। चलिए दिव्यांशी आप बताइए। पूरी बताएगा, चार लाइन बनाना है आपको। कविता प्रातः समय हमने बताया था ना, जाने क्यों ऐसा होता है,
बागों में पौधों के ऊपर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। जाने कब ऐसा होता है, हम इसे देख नहीं पाते हैं। जाने कब ऐसा होता है। ठीक है यस मैम, समझ में आ गई? दोनों क्वेश्चन का आंसर yes, आपको करना है, ठीक है? आज बढ़ा कर लिखना है, इसके बाद फिर इसको हम बताएंगे आपको, कल के लिए देंगे। क्रिया शब्द को ढूंढकर उनका वाक्य प्रयोग करने वाला काम ये आपको कल करना रहेगा। आज के लिए क्यों ले लिए, दो क्वेश्चन है। सुनाई दे रहा सबको? यस मैम, यस मैम। गरिमा बेटा आप बताइए, आप कविता बना पाएंगे 4 लाइन की? हाँ मैम, जाने क्यों ऐसा होता है, बागों के पौधों पे सुंदर रंग बिरंगी तितलियां आ जाती हैं। जाने कब ऐसा होता है, जाने क्यों ऐसा होता है। बना के आप लोग लिखोगे या लिखनी है? आप लोग को सोच के लिखना है, मन में सवाल है उन सवालों को कविता के माध्यम से आप लिखेंगे, ठीक है? जाने क्यों ऐसा होता है, पूरब निकलता है, सूर्य निकलता है पूरब में, फिर पश्चिम में कैसे जाता है, जाने क्यों ऐसा होता है। ऐसे आपको 4 लाइन बना के लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। सबके समझ में आ गई? यस मैम, यस मैम, यस मैम। सबके समझ में आ गई जब पुकारा गया? क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, सबको पता है? क्रिया किसे कहते हैं? बताइए राशि, बताइए राशि। हम किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैम, जैसे मैम खाना, चलना, दौड़ना। यहाँ इसी से संबंधित जो है पूछा गया है, इसी को करना रहेगा ग्रामर में। फिलहाल ये कल का वर्क रहेगा, आज का वर्क आप लोग जो बताए हैं उसको करके भेजें, ठीक है? बाकी यहाँ पे 4 लाइन दी गई हुई है, कविता की पंक्तियों में से आपको क्रिया शब्द ढूंढ कर लेखांकित करना है। इसके बाद उन पंक्तियों में चुने गए क्रिया शब्दों का नए वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कविता में देख रहे हो, सारी चीजें गिरती धरती पर, लिखा हुआ है सबके? हाँ, सबके बुक में लिखा है पीछे बातें भाषा की। सुन लीजिए कैसे करना है उसको। सारी चीजें गिरती धरती पर, धुआं आसमान में उठता है, सूरज आता कभी सिर पर तो कभी दाएं बाएं जाता है। अब आप इन 4 लाइनों को क्रिया शब्द बताएं, कौन कौन से क्रिया शब्द हैं? बताइए सोनाक्षी। मैम गिरती, मैम गिरती, उठता, उठता, आता, जाता। हाँ, 4 लाइन में 4 क्रिया शब्द है। सुनिए, दाहिने बाएं नहीं है, आता जाता उठती गिरती, तो 4 एक क्रिया शब्द है, चारों को आपने रेखांकित कर लिया। बाद में जो नीचे स्पेस है उस पे आप लिखेंगी, पहले लिखेंगी गिरती, गिरती लिखने के बाद आप वाक प्रयोग करेंगी। हाँ यस मैम, यस मैम, यस मैम, लिखेंगी ना क्या? यस मैम। फल पृथ्वी पर गिरती है, पेड़ों से फल पृथ्वी पर गिरता है ना? ऐसे फिर सूरज आता
आता लिखेंगे आप। तो इसका वाक प्रयोग करेंगे सुनाली सलोनी, क्या करेंगी? हैंड रेज की है। क्या प्रयोग करोगी वाक आता? मैम सही आचल मैम हम बताएं। म्यूट नहीं कर पा रही अपने आप को, बोलिए दिव्या। मैम राम रोज दूध लेने आता है। हाँ ऐसे ही आपको आप प्रयोग करना है, समझ गए हो ना? तो ये वर्क आपको कल का रहेगा, पहले आप लाइनिंग करोगे उसके बाद वाक प्रयोग करोगे। आज वाला और कभी आपका अभी आप लोग कंप्लीट करके भेजें। किसी को कुछ पूछना है और भी? नो मैम। नो मैम। हाँ मोहित, आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। नो मैम तो कहोगे, आप कुछ पूछना ही नहीं, ना आपको पढ़ना है, केवल आप शामिल हो जाते हो बस। चलिए बेटा सेशन एंड करते हैं, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।